नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डिफेंस समाचार में स्वागत है। मेन बैटल टैंक मॉडर्न वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी कारण से सभी मेजर डिफेंस पावर बड़ी मात्रा में टैंक रेजिमेंट्स मेंटेन करती हैं। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड टॉप 10 मेन बैटल टैंक्स के बारे में जानेंगे। इंजन, आर्मर, टैंक मैनेजमेंट सिस्टम और आर्मामेंट के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई है। T-90MS ये एक रशियन ओरिजिन मेन बैटल टैंक है। इसको 1993 में रशियन ग्राउंड फोर्सेस और नेवल इन्फेंट्री में इंडक्ट किया गया था। 1993 से अब तक T-90 टैंक्स के 6,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। रशिया ने इसका डेवलपमेंट वर्क 1986 में स्टार्ट किया। T-64, T-72 और T-80 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए रशिया ने T-90 टैंक को डेवलप किया। T-90 टैंक का बेसिक स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म T-72B टैंक से लिया गया है। अगर आर्मर की बात करें तो इसमें कन्वेंशनल आर्मर प्लेटिंग, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, NBC प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। 3 क्रू मेंबर वाले इस टैंक का टोटल वेट 48 टन्स और मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। T-90 में 1500 हॉर्स पावर का V-92S डीजल इंजन इंस्टॉल किया गया है। इसका मेन आर्मामेंट 125mm की 2A46M स्मूथबोर टैंक गन है, जो कई प्रकार के प्रोजेक्टाइल और मिसाइल्स फायर कर सकती है। 12.7mm क्वाड हैवी मशीन गन इस टैंक की सेकेंडरी आर्मामेंट है, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 2000 मीटर और फायरिंग रेट 750 राउंड पर मिनट है। ऑपलोट एम ये एक यूक्रेनियन ओरिजिन टैंक है, जिसको 2009 में सर्विस में इंडक्ट किया गया था। ऑपलोट एम टैंक यूक्रेनियन T-84 टैंक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ग्राउंड बेस और लो फ्लाइंग एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम ये टैंक ट्रूप्स को सुपीरियर प्रोटेक्शन और हाई मोबिलिटी देता है। इस टैंक में नाइट ड्राइविंग डिवाइस, थर्मल इमेजिंग साइट, एंटी एयरक्राफ्ट साइट और एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस टैंक में पैसिव आर्मर, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम, डुप्लेट एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। 3 क्रू मेंबर वाले इस टैंक का टोटल वेट 51 टन्स है। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें 1200 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा हुआ है। ये टैंक 10 kg TNT एक्सप्लोजन को आसानी से झेल सकता है। इसका मेन आर्मामेंट 125mm KBA-3 स्मूथबोर गन है, जो कन्वेंशनल और लेजर गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकता है। KT-7.6mm कोएक्सल मशीन गन और KT-12.7mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन इसका सेकेंडरी आर्मामेंट है। AMX लेक्लर्क ये एक फ्रेंच ओरिजिन मेन बैटल टैंक है, जिसको 1991 में फ्रेंच आर्मी में इंडक्ट किया गया था। इस टैंक को फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर सिस्टम ने डिजाइन और डेवलप किया है। इस टैंक के अब तक 862 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 400 टैंक्स UAE और बाकी के फ्रेंच आर्मी यूज करती है। मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर, टाइटेनियम सेमी रिएक्टिव आर्मर और सिरेमिक आर्मर इस टैंक के मेन आर्मर हैं। 3 क्रू मेंबर वाले इस टैंक का टोटल वेट 57 टन्स है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का SACM V8X डीजल इंजन लगा हुआ है। इसका मेन आर्मामेंट 120mm की CN-120 स्मूथ बोर गन है, जो 12 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। 12.7mm हैवी मशीन गन और रूफ माउंटेड कोएक्सियल 7.62mm मशीन गन इसका सेकेंडरी आर्मामेंट है। मरकावा मार्क 4 ये एक इजरायली ओरिजिन 4 क्रू मेंबर वाला मेन बैटल टैंक है। 2001 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और 2004 में इसको सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया।
इस टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपग्रेडेड सेंसर्स और वर्चुअल रियलिटी कैपेबिलिटीज को इंस्टॉल किया गया है। ये टैंक अपने साथ 8 इन्फेंट्री सोल्जर्स को भी कैरी कर सकता है। इस टैंक में दुनिया का सबसे पहले हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम एल्बिट आयरन विजन को इंस्टॉल किया गया है। अगर आर्मर की बात करें तो इस टैंक में मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर, माइन प्रोटेक्शन आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। 65 टन वाले इस टैंक की टॉप स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। इस टैंक में जनरल डायनेमिक्स का GD83 इंजन लगा हुआ है जो 1500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर और फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 1400 लीटर है। इस टैंक का मेन आर्मामेंट 120 mm की MG-253 स्मूथ बोर गन है, 7.62 mm मशीन गन और इंटरनली ऑपरेटेड 60 mm मोटर इसका सेकेंडरी आर्मामेंट है। टाइप 10, ये एक फोर्थ जनरेशन जापानीज ओरिजिन मेन बैटल टैंक है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस टैंक को 2012 में जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में इंडक्ट किया गया। टाइप 74 और टाइप 90 टैंक के रिप्लेसमेंट के तौर पे इस टैंक को डेवलप किया गया है। सुपीरियर मैन्यूरेबिलिटी, प्रोटेक्शन, फायर पावर और हाई परफॉर्मेंस इसको दूसरे टैंकों से अलग करती है। नैनो क्रिस्टल स्टील आर्मर, मॉड्यूलर सिरेमिक कंपोजिट आर्मर, पैसिव आर्मर, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम इस टैंक का मेन आर्मर सिस्टम है। 44 टन वाले इस टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। इसमें 1200 हॉर्स पावर का MHI V8 डीजल इंजन लगा हुआ है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। इस टैंक का मेन आर्मामेंट 120 mm की JSW-44 कैलिबर स्मूथ बोर गन है जिसमें ऑटोमेटिक लोडर लगा हुआ है, 12.7 mm की M2HP हैवी मशीन गन और 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन इस टैंक का सेकेंडरी आर्मामेंट है। K2 ब्लैक पैंथर, ये एक फोर्थ जनरेशन साउथ कोरियन ओरिजिन मेन बैटल टैंक है जिसको हुंडई रोटेम नाम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। 1995 में इस टैंक का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और 2014 को इसको साउथ कोरियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया गया। इस टैंक की पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन $8.2 बिलियन है जो इसको दुनिया का सबसे महंगा टैंक बनाता है। ये टैंक जल्द ही K1 और M48 टैंक्स को रिप्लेस करेगी। इस टैंक में कंपोजिट आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। 55 टन वाले इस टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का डोसांट DV27K डीजल इंजन इंस्टॉल किया गया है। इस टैंक का मेन आर्मामेंट 120 mm वाली CN08 55 कैलिबर स्मूथ बोर गन है जो 10 राउंड पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। 12.7 mm K6 हैवी मशीन गन और 7.6 mm कोएक्सियल मशीन गन इस टैंक का सेकेंडरी आर्मामेंट है। अब्राहम M1A2 SEP-3, ये एक अमेरिकन ओरिजिन थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है। इसको अमेरिकन कंपनी जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने डिजाइन और डेवलप किया है। ये अब्राहम M1 टैंक का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो हाई प्रोटेक्शन, आर्मर, कम्युनिकेशन और फ्यूल एफिशिएंसी देता है। अगर आर्मर की बात करें तो इस टैंक में नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, स्लेट आर्मर, चोबैम आर्मर को इंस्टॉल किया गया है। इस टैंक में हनीवेल AGT-1500 गैस टरबाइन लगा हुआ है जो 1500 हॉर्स पावर आउटपुट जनरेट करता है। 71 टन वाले इस टैंक की टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। 4 क्रू मेंबर वाले इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 425 किलोमीटर है। 120 mm वाली M25-6 स्मूथ बोर गन इस टैंक का मेन आर्मामेंट है। रूफ माउंटेड कोएक्सियल 7.62 mm M24 मशीन गन और 12.7 हैवी मशीन गन इस टैंक का सेकेंडरी आर्मामेंट है। चैलेंजर 3,
ये एक ब्रिटिश ओरिजिन थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है। इस टैंक को ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम लैंड एंड आर्मामेंट ने प्रोड्यूस किया है। ये टैंक चैलेंजर 2 का एक मॉडर्नाइज वर्जन है। ब्रिटिश आर्मी इस टैंक को 2027 में इंडक्ट करेगी। चोबेम आर्मर, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इस टैंक का मेन आर्मर है। 4 क्रू वाले इस टैंक का टोटल वेट 66 टन्स है। इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर और टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। इसमें परकिंस CV12-6A V12 डीजल इंजन लगा हुआ है जो 1200 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट करता है। इस टैंक का मेन आर्मामेंट 120mm वाली L30A1 स्मूथ बोर गन है, 7.62mm वाली L94A1 मशीन गन और 7.62mm की L37A2 मशीन गन इस टैंक का सेकेंडरी आर्मामेंट है। लेपर्ड 2A7 प्लस ये एक जर्मन ओरिजिन फोर्थ जनरेशन मेन बैटल टैंक है। इस टैंक को जर्मन कंपनी क्रॉस मॉफिल पैकमैन ने डिजाइन और डेवलप किया है। 2014 में इसको जर्मन आर्मी में इंडक्ट कर लिया गया। लो या हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर अर्बन और कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, ये टैंक सभी सिचुएशन में बेस्ट सूटेड है। इस टैंक में पैसिव आर्मर, कंपोजिट आर्मर, बुर्लिंगटन आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। 4 क्रू मेंबर वाले इस टैंक का टोटल वेट 66 टन है। 450 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज वाले इस टैंक की टॉप स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इस टैंक में 150 हॉर्स पावर वाला KA501 डीजल इंजन लगा हुआ है। 120mm वाली L55 स्मूथ बोर गन इस टैंक का मेन आर्मामेंट है। 12.7mm मशीन गन, 40mm ग्रेनेड लॉन्चर और 7.62mm कोएक्सल मशीन गन इस टैंक का सेकेंडरी आर्मामेंट है। T-40 अर्माटा, ये एक रशियन ओरिजिन नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक है। इनिशियली रशियन आर्मी 2300 T-40 अर्माटा टैंक को इंडक्ट करने वाली थी, पर बजट इश्यू के कारण 2025 तक इसका मास प्रोडक्शन डिले कर दिया गया है। अनमैन्ड टरेट, एडवांस प्रोटेक्शन आर्मर, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार और दूसरे एडवांस फीचर इस टैंक को एक डेंजरस टैंक बनाते हैं। मॉड्यूलर आर्मर, एक्टिव एंड पैसिव आर्मर, अफगानिट हार्ट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इस टैंक को वर्ल्ड क्लास प्रोटेक्शन देते हैं। 3 क्रू वाले इस टैंक का टोटल वेट 55 टन है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेशनल रेंज 510 किलोमीटर है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का A853A टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है। इसका मेन आर्मामेंट 125mm की 2A821M स्मूथ बोर गन है जिसमें ऑटोमेटिक लोडर इंस्टॉल किया गया है। क्वाड 12.7mm मशीन गन और PKTM 7.62 मशीन गन इसका सेकेंडरी आर्मामेंट है। इसका लेवल 5 आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम RPG, ATGM और हीट मिसाइल से कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो तक जय हिंद।